गुड डॉट की जब हमने शुरुआत की तो हमारे सामने पहला जो सबसे बड़ा चैलेंज आया वो चैलेंज था डिस्ट्रीब्यूशन का। बिकॉज किसी भी प्रोडक्ट के लिए मार्केट में पेनिट्रेट करने के लिए एक बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क चाहिए। हमारी शुरुआत नहीं थी तो हमें बहुत विचार करना पड़ रहा था। और अगर दुनिया भर के मैं मॉकमीट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो मॉकमीट का मार्केट अभी भी बहुत हाई एंडेड मार्केट है, जहां पे मासेस के लिए मॉकमीट अवेलेबल नहीं है। और हमने जो प्रोडक्ट डेवलप किया है वो मासेस के लिए किया है। काफी एनालिसिस के बाद गुड डॉट ने एक आदर्श पार्टनर खोज ही लिया, RCM। और चूंकि मैं RCM के साथ जुड़ा हुआ हूं पिछले 5 साल से, तो उसमें मुझे ख्याल आया क्यों ना RCM को प्रोडक्ट दिया जाए। जब मेरी छाबड़ा जी के साथ पहली बार बात हुई इस प्रोडक्ट के लिए तो हमारे जितना ही उत्साह उन्होंने दिखाया। उन्होंने कहा हाँ, ये एक प्रोडक्ट है जो आने वाली दुनिया को बदलेगा। इस तरह से RCM के साथ हमारी पार्टनरशिप की शुरुआत हुई। हमारे पास एक यूनिक प्रोडक्ट था RCM को देने के लिए और RCM के पास था एक वास्ट मार्केटिंग नेटवर्क हमारे लिए। जब हम गुड डॉट की बात करते हैं तो किसी एक प्रोडक्ट की बात नहीं होती, एक कॉन्सेप्ट की बात होती है, जिसमें जो मेन ऑब्जेक्ट है इसका कि जानवरों को बचाया जाए और जो जो नॉन वेजिटेरियन लोग जो होते हैं उनको कुछ ऐसा प्रोडक्ट दिया जाए जहाँ उनको सेटिस्फेक्शन भी मिले और जानवरों को भी नहीं मारना पड़े। तो बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, मैं इसको बहुत फेवर करता हूँ। और जहाँ तक RCM का जुड़ने का मैटर है तो RCM के पास एक बहुत बड़ा नेटवर्क है और इसकी जो संभावनाएं हैं इस प्रोडक्ट की, बहुत असीम संभावनाएं मुझे नज़र आती है, क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत बड़ी मात्रा में नॉन वेजिटेरियन लोग हैं, लगभग 70% से ज़्यादा ये यूज़ करते हैं और ऐसा प्रोडक्ट कोई बहुत अवेलेबल नहीं है हिंदुस्तान में। तो बहुत बड़ी संभावनाएं नज़र आती है कि बहुत चलेगा। RCM का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भारत के हर कोने में फैला हुआ है। आप नॉर्थ में कारगिल में जाएं या दक्षिण में कन्याकुमारी, हर जगह RCM के पिकअप सेंटर्स आपको मिलेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि RCM की इस डिस्ट्रीब्यूशन की मजबूती के साथ गुड डॉट का प्रोडक्ट भारत के हर नागरिक तक पहुंचेगा और हर नागरिक को अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा।